सिवनी मालवा जनपद पंचायत सभागार में मंगलवार शाम सरपंच सचिव सहित रोजगार सहायकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 22 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आयोजन में अधिक से अधिक लाडली बहना को लाने पर जोर दिया गया। बैठक में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने सभी से कहा कि 22 जुलाई को हो रहा आयोजन आप सभी का आयोजन है। हमारे मुख्यमंत्री को जैसे ही पता चला कि रोजगार सहायकों का वेतन कम है, उन्होंने तत्काल सभी का वेतन दोगुना कर दिया। गांव-गांव तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का काम सरपंच सचिव सहित रोजगार सहायकों के द्वारा ही किया जाता रहा है। सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता है, न ही वो भाजपा न ही कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीतता है, बल्कि स्वयं के व्यवहार पर ही पंचायत चुनाव होते हैं। बैठक में भी सचिव रोजगार सहायकों के द्वारा विधायक को माला पहना और केक काट जन्म दिवस मनाया गया। जनपद पंचायत सीईओ दुर्गेश कुमार भूमरकन ने बताया कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर होने वाले आयोजनों को लेकर चर्चा की गई है। सिवनी मालवा में लगभग 30,000 लाडली बहना है, जिन्हें आयोजन में लाने का प्रयास किया जाएगा। सभी को लाने ले जाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये सब है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? देश की, भारत देश की प्रधानमंत्री की जो भी विकास की योजना बनती है, चाहे वो पेयजल की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, और जो भी काम है इसको शासन को पूरा कौन करता है? कौन करता है? सरपंच, सचिव, मुख्यमंत्री जी की जो भी योजना है, सरकारी लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कल्याण योजना हो, संबल योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, स्ट्रीट वेंडर योजना हो, जो भी योजना है उनके नाम कौन देता है? कौन देता है? सरपंच सचिव। सही माने में महात्मा गांधी के राम राज्य को, ग्राम राज्य को, इनके सपने को पूरा करने वाले भी कोई है तो आप लोग हो। सरपंच है, सचिव है, विधायक है, डीजीओ है, क्योंकि धरातल पे जमीन पर काम करने वाले लोग आप हो। अब आपको काम करने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। आपको कोई कठिनाई होती है तो मैं हूँ आपके मित्र। आप बिल्कुल आप अपना काम सही समय पे तेजी से पूर्ण करें, कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय पे एस्टिमेट बनेंगे, समय पे बिल पास होंगे। अगर कोई कठिनाई आएगी तो आप मुझे बताएं, कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। आप एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी सरपंच बैठे हैं, क्या कोई कमल के फूल से चुन के आया है? कोई हाथ के पंजे से चुन के आया है? बताइए, यहाँ ग्राम पंचायत में सरपंच में कोई पार्टी नहीं चलती है। हमारा देश का संविधान ऐसा बना है, हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारी सरकारों ने ग्राम पंचायत के चुनाव को पार्टी आधारित चुनाव नहीं माना। माना है क्या? इसलिए सारे सरपंच गांव के हित सोचने वाले हैं, सारे सरपंच गांव का विकास करने वाले हैं, सारे सचिव और डीआरए गांव के हित की सोचने वाले हैं। इसलिए आप सबको ग्राम स्वराज को, महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ। बस ये है कि अपना काम ईमानदारी से, सही तरीके से हमारे हितग्राहियों को, हमारे किसानों को, हमारे भाईजनों को, हमारे गरीब लोगों को कोई समस्या नहीं आना चाहिए। उनकी कोई काम हो तो आप तुरंत निपटाए, मुझे बताएं, तहसीलदार को बताएं, सीओ को बताएं, सीओ को बताएं, आपके हर काम होंगे। आप यदि हम अपना काम तत्परता से करेंगे तो जनपद सभागार में किस तरह का आयोजन किया जाएगा? आज माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन की गई थी, जिसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पीसीओ और सभी जनपद स्टाफ उपस्थित रहे। किस संबंध में बैठक?
ये हमारे 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन होना है उस संबंध में बैठक की समीक्षा की गई, जिसमें लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। लाडली बहना जितनी हमारी लगभग 30,000 जनपद में, तो उन सब महिलाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रही है, उनके क्या कार्य और उनकी तरफ से कुछ न जो संदेश देना चाह रही है, उनको सभी माननीय सीएम साहब से मिलने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। क्या निर्देश दिए गए हैं सचिवों को? प्रत्येक ग्राम पंचायत से जो लाली बहना का जो जितने आवेदन हुए थे उसी अनुसार उनको लाने के लिए हमने बसेस की व्यवस्था कराई है, साथ में जो प्राइवेट व्हीकल होंगे उनसे भी आएंगी, और इस प्रकार से उनको खाने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था से लेके वापसी लेने तक की समस्त जानकारी उनको दी गई।